मोबाइल सराफा बाजार, आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, मोबाइल एवं एलईडी टीवी फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। सागर जिले के बंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कंदारी के रहवासियों ने ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जमकर नारेबाजी की, जिसमें कहा गया है कि कंपोस्ट पिट योजना अंतर्गत गड्ढा होता है जिसमें सरपंच और सचिव ने 2 महीने पहले पैसे निकाल लिए और जब सागर कलेक्टर के यहाँ पर शिकायत की गई तो सचिव द्वारा बीती रात जेसीबी से किसान के खेत में गड्ढा कर दिया। इन्हीं अनियमितताओं के चलते ग्राम पंचायत में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए सचिव और सरपंच पर कार्रवाई की जाए। सुनिए ग्रामीणों का क्या कहना है। क्या समस्या है आपको? नल जल में चढ़ाते हैं तो फिर वो कहाँ दिक्कत जा रही? दिक्कत जा रहा है सचिव, मंगा रहे 5,000 रुपया दियो हमारे लाने मन महीना की। हम अपने खुद निजी अपने कनेक्शन है हमारे, उसे चलाओ थे बोला कि हमारे मतलब हमें दो पैसा। कौन सी पंचायत है? कलेक्शन हमें भी चाहिए। ग्राम पंचायत कनाली। आशुतोष सिंह ठाकुर, आज आप लोग बंडा आए हैं, क्यों आए हैं आज बंडा? हम लोग कुटी के मामले में आए हैं। ये कुटी है जो ये बना दी, माने इसकी बाद की कुटी बना दी, वो पहले की बना दी, ये 40 नाम छोड़ दी उन्होंने। क्यों नहीं बन पा रही, कुछ कारण बताया? ये अब खाऊ को नहीं, उसका चल रही है वो, मैं जो कि पैसा दे रहा हूँ उसके काम हो रहा है, हम लोग नहीं हो रहा है, हमारा पैसा नहीं दे रहा है। ये जो नामों की लिस्ट लिए हैं इन पर क्या कार्रवाई है? इन पर क्या कार्रवाई है कि ये सचिव ने पैसा ले लाया जो जो इन्होंने कि उनके काम करता है, हम उन्होंने नहीं दाया पैसा, हम उन्होंने काम नहीं हो रहा है। आपसे मांग की थी उन्होंने पैसे की? हम उन्होंने कही थी, हम उन्होंने पैसा नहीं दाए। कितने पैसे मांग आए थे? 10,000 रुपये एक कुटी पे मंगा रहे हैं, और ये रिवाइज करवाने के लिए 40,000 रुपये दिए, 40 नामों के सचिव के लाने, जो सचिव ने बोल दी थी त्रिपाठी को दे दूँ, त्रिपाठी को सचिव के हाथ में दिए, सचिव ने त्रिपाठी को दे दिए पैसा, उन्होंने माने ये रिवाइज करके पहुँचाएँ, उन्होंने नई कुटी नाम जुड़े यहाँ पे। आप इस तरीके से कैसे आरोप लगा सकते हैं कि त्रिपाठी पैसे दे दिए? वो अधिकारी है, क्योंकि अरे तो एक अधिकारी पर आरोप लगाना आप किस ने बोली थी? सचिव ने बोली थी। अच्छा, इस पर ऐसी सचिव ने बोला? हाँ, सचिव ने बोली, सचिव साथ में भी थे, सचिव के हाथ से पैसा दिए। किस गांव से आए? ग्राम पंचायत कनारी। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ग्राम पंचायत कनारी में घूसखोरी वगैरह सचिव द्वारा हो रही है, इसलिए हम लोग एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने आए थे। किस प्रकार की घूसखोरी? यही कि मस्तर किसी के पैसे निकाल लेते हैं, गड्ढा करवा के किसी का कुआ करवा के किसी के पैसे निकाल लेते हैं। किसके निकाले? नाम है कहते संतोष सिंह, हमारे साथ में उनकी निकाले हैं। कितने साल? आपने कितने पैसे निकाल लिए? गड्ढा के 6,000 रुपये। और आपको पता नहीं है? नहीं पता। आपके नाम के निकल गए? तो इस संबंध में आपने किससे शिकायत की है? पता पाई। हाँ, कलेक्टर। इस संबंध में कलेक्टर से आपसे शिकायत कर चुके हैं आप लोग? आज एसडीएम के आए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? वही इस संबंध में सचिव का कहना है कि फर्जी कागजों से कुआं स्वीकृत कराना चाहते हैं, जो नहीं करने पर झूठी शिकायतें की जा रही हैं। आज कनारी के ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है ग्राम पंचायत के खिलाफ की कोई गड्ढा, और जब कलेक्टर से शिकायत तो गड्ढा होती है, पूरा प्रकरण क्या है? गड्ढा अक्टूबर में हो गया था कार्य पूर्ण, बाकायदा मूल्यांकन हुआ और पेमेंट भी किया गया, और सोमवार के दिन हम लोग पंचायत में बैठे थे तो धर्मेंद्र पिता सूरज सिंह, राजकुमार पिता सूरज सिंह और उनके साथी लोग आए और फर्जी खसरा विवरण की नकल लेकर आए, बोले मुझे कुगा खुदवाना है तो प्रस्ताव दीजिए और कुगा स्वीकृत करा दीजिए। तो मैंने बोला आप नकल दे दीजिए, हम चेक करके पोर्टल पर और आगे कार्रवाई करेंगे। तो मैंने पोर्टल पर चेक की, ये नकलें हैं उनकी दी हुई, ये फर्जी नकल है, और मैंने पोर्टल पर चेक की तो उनकी ज़मीन 2.5 एकड़ से ज़्यादा निकली और फर्जी नकल में 2.5 एकड़ से कम बना कर दी है, ये नकल है फर्जी, ये फर्जी है और ये असली है। तो फिर दूसरे दिन बोले प्रस्ताव दे दीजिए, तो मैंने कहा भैया 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है आप लोगों की, ये फर्जी नकलें हैं। तो उसी दिन से ये लोग शिकायत कर रहे हैं, उल्टी सीधी झूठी शिकायतें करने पे आमादा हैं, उसी दिन से दबाव बना रहे हैं प्रस्ताव के लिए। बस देखिए, जो भी जो लोगों का कहना है ये पूरे सारे आरोप निराधार हैं।
जिनका नाम आवास की 2011 की पात्रता सूची में नहीं है उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। आवास योजना में उन्हीं के आवास बन रहे हैं जिनका नाम 2011 की पात्रता सूची में है, जिनका नहीं है उनका नाम भारत सरकार द्वारा आवास प्लस ऐप में जोड़ा गया है। ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई थी कि आवास ऐप के जो नाम जुड़े हैं उनका भी आवास दिया जाए, जबकि शासन द्वारा अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। सारे आरोप निराधार एवं गलत हैं। बंडा से रवि सेन के साथ सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल सराफा बाजार। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, मोबाइल एवं एलईडी टीवी फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। होम डिलीवरी सुविधा। रोहित मोबाइल बड़ा बाजार। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, एमआई, रियलमी सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला एवं रियलमी, एमआई, सैमसंग, टीसीएल कंपनी की एलईडी टीवी, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, टच गार्ड ग्लास, बैक कवर, ब्लूटूथ, साउंड, होम थिएटर, चार्जर, बैटरी, मोबाइल संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान वो भी एक ही जगह पर। रोहित मोबाइल रामप्याऊ के पास, सराफा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9009205959, 8818518881।